आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। यूक्रेन के ऊपर रूस के हमले के बाद भारत के लिए गेहूं एक्सपोर्ट के नए दरवाजे खुलते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मौजूदा संकट को देखते हुए भारत से ग्लोबल मार्केट को ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट का मौका मिल सकता है। ऐसे में घरेलू निर्यातकों को इस मौके का फायदा मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के केंद्रीय पूल में 2.42 करोड़ टन अनाज है, जो कि रणनीतिक जरूरतों से 2 गुना है। आपको बता दें कि दुनिया के गेहूं एक्सपोर्ट का 1/4 से ज्यादा हिस्सा रूस और यूक्रेन से किया जाता है। बता दें कि पूरी दुनिया में रूस गेहूं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, यानी कि निर्यातक है, और उसका अंतरराष्ट्रीय एक्सपोर्ट में 18% से ज्यादा का योगदान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस और यूक्रेन ने मिलकर साल 2019 में दुनिया का 1/4 यानी कि करीब 25.4% से ज्यादा गेहूं का निर्यात किया था। मिश्र, तुर्की और बांग्लादेश ने इस दौरान रूस से आधे से ज्यादा गेहूं की खरीदारी की है। बता दें कि पूरी दुनिया में मिश्र गेहूं का सबसे बड़ा इंपोर्टर है और यह अपनी 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी के लिए सालाना $4 अरब से अधिक खर्च करता है। मिस्र की आयातित गेहूं की 70% से ज्यादा की मांग को अकेले रूस और यूक्रेन पूरा करते हैं। तुर्की भी रूस और यूक्रेन के गेहूं के लिए काफी खर्च करता है। रूस और यूक्रेन से साल 2019 में तुर्की ने 74% यानी कि $1.6 अरब का इंपोर्ट किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन संकट से भारत के लिए गेहूं एक्सपोर्ट को लेकर नए मौके मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।